एवरीवन, आज है स्कूल का फर्स्ट डे और मैं स्कूल जा रही हूँ. ऑन द वे हूँ. 8 o'clock का मुझे पहुँचना था, तो मैं 2-3 मिनट लेट भी हो गई हूँ. तो चलती हूँ, आपको मिलती हूँ स्कूल में और दिखाती हूँ. और आज 21st of June है, तो योगा डे है. तो हैप्पी योगा दिवस सभी को, हैप्पी योगा डे आप सभी को. तो चलते हैं स्कूल और फिर मिलते हैं आपको और बताते हैं कि स्कूल का मेरा पहला दिन कैसा है. और आज ओरिएंटेशन है मेरे बच्चों का, तो वो भी मैं आपको शो करूंगी. तो बने रहिए मेरे साथ, चलते मिलते हैं. साईं बाबा का मंदिर है जहाँ पर मैं हमेशा रुकती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो मैं स्कूल पहुँच गई हूँ और मैं मिलती हूँ आपको स्कूल में. बाय. स्कूल में मैं पहुंच गई हूं और आने के बाद यहां पर योगा का प्रिपरेशन चल रहा था. सभी टीचर्स और स्टूडेंट सब साथ में योगा करने वाले थे. तो जैसा कि मैंने बताया कि 21st of June है, तो बस ये योगा के प्रिपरेशन चल रहा है. सभी बैठ रहे हैं. योगा होने के बाद सारे टीचर्स अपनी क्लास में चले गए हैं और हमारे बच्चों का ओरिएंटेशन था, तो वेलकम बोर्ड रेडी हुआ और बच्चे आने वाले थे. 10 o'clock उनकी टाइमिंग दी गई थी, तो बच्चे आने वाले थे, तो बस वो रेडी हो रहा था. और ये देखिए, सब ब्यूटीफुल सज गया है. ये देखो अम्मा, तो हम छुट्टी के बाद अब मिले हैं ना. हमारी छुट्टी के बाद अभी हम सबसे मिले हैं. तो ये है हमारी बाल वाटिका की अम्मा. और इस कॉर्नर में कोई चुपके से ब्रेकफास्ट कर रहा है, वो देखो मैडम, वो है हमारी दूसरी मैडम जो ब्रेकफास्ट करने में लगी हुई हैं. थोड़ी बीमार चल रही हैं, ठीक है. और 10 o'clock पेरेंट्स को बुलाया गया है ओरिएंटेशन के लिए, तो सारी तैयारी हो चुकी है. तो 10 o'clock आपको दिखाते हैं जब पेरेंट्स आ जाएंगे तब. और ये देखिए, पेरेंट्स आ चुके हैं और हमारे प्रिंसिपल सर और HM सर सब यहाँ पर बैठ के सारी चीज़ों को डिस्कशन हुआ. उसके बाद उन्हें हम PPT कुछ शो कर रहे थे जो हमारा पिछले सेशन था. उसके बाद बच्चों को हम क्लास ले जाते हैं और बच्चे क्लास में जाते हैं. हम उनके साथ बहुत सारे राइम्स करते हैं क्योंकि बच्चों को कम्फर्टेबल कराना था. प्रिंसिपल सर भी थे, HM सर भी थे, हमारी दूसरी मैम रश्मिता मैम भी थी. हम सब वहाँ मिलकर बच्चों के साथ बहुत सारे राइम्स गाते हैं क्योंकि बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उन्हें कंफर्टेबल कराना बहुत ज़रूरी था. तो बच्चे बहुत अच्छे से, बहुत एक्टिव थे, तो बहुत अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया. और ये हमारा था कि हमें बच्चों को बहुत अच्छे से उनको कंफर्टेबल फील कराना है. फिर पेरेंट्स भी अंदर आ जाते हैं. पेरेंट्स के साथ भी हम मिलके बहुत सारी बातें करते हैं, राइम्स करते हैं और क्लासेस उन्हें दिखाते हैं. उसके बाद हम उन्हें ग्राउंड में लेके जाते हैं, वहाँ भी कुछ हम एक्सरसाइज करते हैं. फिर उसके बाद हम यहाँ पर फ्री होते हैं. अभी बच्चे जा चुके हैं और हम दोनों बिल्कुल फ्री थे. फ्रेश लग रहे हैं. फ्रेश नहीं लग रहे हैं. हमारी मेरी हालत है वो कैसी हो गई है, जब काले काले से बिल्कुल एकदम स्वेटिंग स्वेटिंग हो रही है और बहुत गर्मी है. तो फाइनली अभी हम लोग फ्री हैं और अब हम लोग क्या करेंगे, लंच करेंगे. क्या लंच करेंगे? अभी लंच का टाइम हो गया. पहले पानी तो पी ले थोड़ा सा. ये पानी पियेंगी क्योंकि अभी बीमार है. लग रहा है कि मैं बीमार हूँ. दीपांजलि मैम अभी क्लास, किस क्लास की टीचर है? फर्स्ट सी की क्लास टीचर है. और ये बहुत अच्छी हैं, बड़ी दीदी की तरह हैं. बिल्कुल बिल्कुल लगता ही नहीं है कि मैम, मतलब मेरे हिसाब से कि हमारे लिए तो मम्मी की तरह ही लगते हैं. मतलब अच्छा लगता है. इतना एज नहीं कर दिया, बट शी इज वेरी स्वीट लेडी. थैंक यू और मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये हमारा कंप्यूटर रूम है जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए बैठे हुए हैं, बिकॉज ऑफ इतनी गर्मी है. तो यहाँ पर थोड़ा आराम लग रहा है. और मेरी ये देखिए अम्मा भी बैठी हुई है, रेस्ट कर रही है, बिकॉज बच्चे जाने के बाद जो हालत खराब हुई है, तो अम्मा भी यहाँ पर रेस्ट कर रही है. अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए. और मैडम अभी भी काम करते हुए बिल्कुल फुल मूड में है, वो काम कर रही हैं. अब मैं लंच करूंगी. लंच करना है या नहीं करना है? अभी हम लंच करेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर. तो अभी मैं कंप्यूटर लैब में बैठ चुकी हूँ और अटेंडेंस रजिस्टर ले लिया है. इसे लिखना है, इसको बनाना है. बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है. तो अभी बस मैं यहाँ पर बैठी हूँ, बिकॉज यहाँ पर AC है, थोड़ा ठंडा है. तो फिर थोड़ी देर के बाद मैं निकलती हूँ और ये अटेंडेंस रजिस्टर, बच्चों के नेम इसको डालती हूँ, लिखती हूँ. बिकॉज मंडे से स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस, तो बस अभी ये मेंटेन करती हूँ. और यहाँ पर पूरा खाली है, सब क्लासेस लेने गए हैं और एक मैम बैठी हुई है. हेलो,
यहाँ पर रेस्ट करेंगे, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। कंप्यूटर लैब के बाद मैं सीधा अभी आपको घर पे मिल रही हूँ, क्योंकि मैं एक घंटे पहले वहाँ निकल चुकी थी, 2:10 पे मैं वहाँ निकल चुकी थी, क्योंकि हाउस हेल्पर का कोई रिलेटिव था जो एक्सपायर हो गया है और उसे वहाँ जाना था। बच्चे यहाँ घर पे अकेले रह जाते, इसलिए मैं फटाफट वहाँ से निकली और सीधे घर आ गई। तो अभी फ़िलहाल यहाँ के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट भी लो। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।